बच्चे पहुंचे ज्वाला के पास, वहां हुआ सामना कठपुतली वाले और गुरुकाल से। तुम कितनी भी कोशिश कर लो गुरुकाल, तुम कभी भी नहीं जीतोगे। अभी मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, पर मायावी चाबी आज मेरी होकर रहेगी। तुम खुद वो चाबी मुझे देने आओगे, अगर नहीं आए तो तुम्हें तुम्हारे अपने ही मुझे सौंप देंगे। कठपुतली वाले ने दिखाया अपना जलवा, सामना करवाया अपनी एक खतरनाक कठपुतली से। अब आप देखेंगे सबसे खतरनाक और जानलेवा खेल। बच्चों ने उस खतरनाक कठपुतली को फेंका ज्वाला में, फिर उन्होंने फेंका कठपुतली वाले को उसी ज्वाला में और बचाया अपने परिवार और दोस्तों को। माफ करना बच्चों, हमने तुमको चोट पहुंचाने की कोशिश की। हम जानते कि उस वक्त आपका खुद पे नियंत्रण नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं है, अब वो सब भूल जाइए। अब आगे माया, विशु, अवि, माया, अरे कहाँ चले गए ये सारे? अरे अवि कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि बिना होमवर्क के खेलने जाने नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ मम्मी, होमवर्क तो मैंने कब का कर लिया, और अभी मैं खेलने नहीं जा रहा। मैं तो ये सारा सामान बाहर गरीब बच्चों को बांटने जा रहा हूँ। कितना समझदार है मेरा बेटा। ठीक है जाओ आइए। अब ये माया और विशु कहाँ चले गए? ये लीजिए आंटी, मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया। अच्छा दिखाओ। अरे वाह, वेल डन, ये लो। लेकिन विशु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें पता है वो कहाँ है? विशु को तो मेरी बनाई हुई परछाई हैंडल कर लेगी। मर गए आए, आंटी तो होमवर्क चेक करने आ रही है, अगर उनको पता चल गया कि मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे खेलने जाने नहीं मिलेगा। तुमने आज फिर होमवर्क नहीं किया ना बॉस, हर बार होमवर्क करने के टाइम पे तेरा यही नाटक रहता है। माया तुमने तो डरा ही दिया था, पर हाँ तू अपनी पावर यूज कर लेना, मुझे सरप्राइज देना बंद कर, और है ना प्लीज आंटी को मत बताना कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, ठीक है? चॉकलेट से मेरा क्या होगा? हाँ तू मुझे अपनी ड्रेस दिलवाएगा तो काम बनेगा। नहीं ड्रेस, अब मैं वो कहाँ से लाऊंगा? तो बैड लक विशु। विशु कितने भी खुशियां बांट लो अभी, तुम्हारी खुशियों की आज मौत होगी। तुम खुद रुद्र की माया की चाबी मुझे देने आओगे। खुशियां खत्म होगी, रुद्र की चाबी देगा मरेगा। आओ आओ चलो, हम दोनों ही भाग चलते हैं कहीं। यहाँ रहे इसके साथ तो हमारा भी हो जाएगा अंटे पे बंटे का सट्टा। चकोर बान को संभालो। आओ गुरुकाल, आप तो गुरुकाल है। अंधेरा घन रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। ओ अभी है ना, उसकी किस्मत अच्छी है, वरना आप तो उसका कबका कर दिए होते अंटे में बंटे का संता। अब उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी, पर आज उसे सामना करना पड़ेगा गुब्बारे से। गुब्बारा आओ आओ देख। ये गुब्बारे वाला गुरुकाल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये गुब्बारे वाला करेगा अभी का अंटे में बंटे का सट्टा। आगे देख। गोल गोल
गुब्बारा। आपने गुब्बारे वाले को याद किया और गुब्बारे वाला हाजिर है गुरुकाल। हाँ गुब्बारे वाले, हमने याद किया, अभी आज मरेगा, मरेगा अभी। जिस लड़के को अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं कर पाया, उसे आज रबर के गुब्बारे मौत के घाट उतार देंगे। ध्यान से सुनो तुम सब गुरुकाल की चाल, मैं बताता हूं क्या करना है। माया की बच्ची मुझे यहाँ पर फंसा कर खुद बाहर खेलने जा रही है। बॉस, मैंने और हवी ने हमारा सारा होमवर्क कर लिया, और तू इतना आलसी नहीं होता ना तो तू भी हमारे साथ चल रहा होता। अभी तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तू मेरा होमवर्क कर देना, हो सिर्फ तेरे लिए तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, प्लीज कर दे। ओ, पता है मुझे खेलने भी जाना है, और मैंने सोचा था जिन बच्चों को तूने सामान बांटा है ना उनको मैं थोड़ी सी टिप्स दे देता, अच्छा है ना। नहीं बॉस, तू इस डफर की बातों में मत आना। ओए तू चुप बैठ, अभी प्लीज कर देना, ये आखिरी बार है प्लीज। ठीक है, इस बार मैं तेरा होमवर्क करने के लिए तैयार हूँ, पर ये आखिरी बार, ओके? थैंक यू, तू ही मेरा असली बेस्ट फ्रेंड है, तूने बता दिया कि बेस्ट फ्रेंड कैसे होते हैं। चल, और चल मैं तुझे भी थोड़ा बहुत टिप्स दे दूंगा, क्या जाता है? क्या आऊ, इतनी गर्मी हो रही है और धूप कितना हो रहा है, मुझे तो बहुत गर्मी हो रही है, मेरा तो हो गया ना अंटे पे बंटे का संटा, और कितना चलाओगे, थक गए हम। कहाँ है वो बच्चे लोग और कहाँ है वो राजा? बस बस पहुंच गए हम सूरजपुर शहर। सुनो सुनो सूरजपुर के वासियों, आओ तुम सब एक एक गुब्बारा लेके जाओ। आपके राजा ने जो सूरजपुर के लिए किया है उसके प्रति अपना आदर दिखाने के लिए लीजिए एक गुब्बारा। आओ आओ। गुब्बारा कब से खास होने लगा? महान महाराजा के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का ये एक अनोखा मौका है, दिखाइए अपने महाराजा को कि उनकी प्रजा को उनसे कितना लगाव है, वो भी मुफ्त में। मुझे भी गुब्बारे दे दो, मुझे महाराज आदित्य बहुत अच्छे लगते। शाबाश मेरे बच्चे, ये लो, क्या और कोई नहीं जिसे अपने दरिया दिल महाराज से लगाओ हो? अरे मुझे भी दीजिए भाई। लो लो, मुफ्त में, लो तुम भी लो। शकु इन बच्चों को भी दो। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। हाँ? अरे आओ वो देखो, ये तो अभी के साथ रहते हैं माया और विशु, ये बच्चे बहुत चतुर हैं, चलो कहीं छुप जाते हैं, चलो। अरे आओ, ये क्या सबने गुब्बारे क्यों पकड़े हुए, चल जाके देखते हैं। चल बॉस। ये तो एक तरीका है बच्चों सूरजपुर के प्रजा का अपने महाराज के प्रति प्रेम दिखाने का, क्या तुम्हें महाराज आदित्य से प्रेम नहीं? मुझे भी देना। ये ले। ओए, उसे कोई बच्चे थोड़ी ना जो गुब्बारों से खेलेगा। देखो इसमें बच्चों जैसी बात की, कितना अच्छा क्यूट तरीका है ये आदित्य अंकल को बताने का कि हम मुझे कितना प्यार करते हैं। चलो चुपचाप बलून ले ले। हाय, मुझे भी एक दे देना। ये लो। चल विशु अब चलते। अब शुरू होगा असली खेल, मौत का खेल।
ये क्या हो रहा है बॉस? मैं भी थोड़ी देर ऊपर उठ रहा हूँ। विश्व को ढूंढा जाए। अभी बाबा गजब हो गया, आपको मालिक ने बुलाया है। क्या? आप आइए मेरे साथ। शुरुआत है अभी। गोल गोल गुब्बारा, ये सारे सूरजपुर के वासी इस खुली आसमान में उड़ते हुए तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी मेरे बंदी हैं। अगर तुमने रुद्र की मायावी चाबी गुरुकाल को नहीं दी तो मैं इन सब को नीचे गिराकर इन सब के परखच्चे उड़ा दूंगा। तुम चाहे जो कोई भी हो, चाबी के सपने देखना छोड़ दो। रुद्र की मायावी चाबी गुरुकाल को कभी नहीं मिलेगी। मुझे लगा था तुम्हारा पहला जवाब यही होगा। लगता है तूने मेरी चेतावनियों को खोखला समझ रखा है। अब देख मेरी शक्ति का छोटा सा नमूना। अब तुम्हें कोई नहीं बचाए शैतान बच्चे। दादी कालीन उड़ो। अभी अपना चेहरा ढक लो, कोई तुम्हें पहचान ना पाए। ठीक तो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इन्हें तो बचा लिया अभी, लेकिन इन बाकी सबको कैसे बचाओगे? हमारे पास समय बहुत कम है दोस्तों, अब जो मैं बनाऊंगा वो पहन लेना, ठीक है? हाँ। जल्दी से पहन लो विशु, अक्ल जमीन पर जाके अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना, और मैं और माया यही हवा में लेके उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ठीक है। दादी कालीन नीचे चलो। चल विशु कूद जा। संभाल के जाना। हाँ। आर्या पार, ये तो विशु की रफ्तार।
आदित्य, आदित्य बच्चे कहीं नहीं दिख रहे, आप कुछ करते कोई नहीं, कहीं कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। बच्चों को मैंने पहले ही सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया है, चिंता मुझे सिर्फ इन सूरजपुर वासियों की, मैं बहुत जरूरी है रुक्मिणी। गोल गोल गुब्बारा, कितनों को बचाओगे अभी? बहुत से सूरज वासियों की जान जानी बाकी है, अगर तुमने रुद्र की चाबी गुरुकाल को नहीं दी तो। गुरुकाल को चाबी कभी भी नहीं मिलेगी, और मैं किसी भी सूरजपुर वासी को मरने नहीं दूंगा। बहुत बिगड़े हुए बच्चे हो, लगता है तुझे कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा अभी। अब तुम क्या करेंगे बॉस? ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे, कुछ कर। सच कह रही है अभी, बहुत लोगों की जान जाएगी अगर तुमने मुझे वो चाबी नहीं दी तो। मान ले हार, सौंप दे मुझे रुद्र की मायावी चाबी। देख, तीनों लोग में गुरुकाल का साम्राज्य। गुरुकाल इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। कोई गूगल आइडिया सोचो भी, वरना किसी ना किसी की जान चली जाएगी। आइडिया माया, हम सबको एक साथ नीचे खींचेंगे। चल मैं इसे पकड़ ले, इसकी मदद से हम सबको एक साथ खींचेंगे। यह इतना आसान नहीं होगा अभी, मैं तुझे इस रस्सी का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दूंगा। अभी इससे पहले पीछे छुड़ाना होगा। मेरी आओ, थूक तो अपना गुस्सा। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे जमीन पर लाकर जीत जाओगे? बहुत हुआ ये खेलकूद, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 चुटकियों का समय है। हर चुटकी में इन लोगों के साथ बंधे हुए गुब्बारे बड़े होंगे, और तीसरी चुटकी में फटकर सबको साथ ले मरेंगे। अगर इन लोगों की जान बचानी है तो चाबी वापस दे दो। कौन है ये बच्चे आदित्य जो शैतान से लड़ रहे? इतनी दूर से मुझे उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा। यहाँ बच्चे शैतान से लड़ रहे और हम यूं हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। आदित्य, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आइए माँ। रुक्मिणी। नहीं नहीं माँ, रुक्मिणी सुनो, अगर रुक्मिणी ने बच्चों को गुब्बारे वाले से लड़ते हुए देख लिया तो वो अभी को कभी रुद्र की रक्षा करने नहीं देगी। अभी जल्दी खत्म करो ये लड़ाई। माया, ये चुटकी इसकी असली शक्ति है, तू जल्दी से अपना एक रूप उसके पीछे बना दे और ये गोंद लेकर उसकी उंगलियां चिपका दे, ठीक है? ये ले। हे दर्पण, मेरा एक रूप बन जाए। चाबी देते हो या बजाओ चुटकी? तुम्हें चाबी कभी भी नहीं मिलेगी। तो भुगत तो अपने इस निर्णय की सजा। अरे ये क्या, मेरी चुटकी बच क्यों नहीं रही है? बच क्यों नहीं रही है?
गुब्बारे वाले की मरते ही सब लोग नीचे आ गए। दोस्तों हम जीत गए। हाँ बॉस। गाइस वो देखो मम्मी इधर ही आ रही है। आंटी अब हम क्या करेंगे? चलो कहीं छुप जाते। वाह हाँ जल्दी आओ। आप सब ठीक तो हैं? और वो लोग कहाँ गए जिन्होंने आपकी जान बचाई थी? पता नहीं महारानी जी, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं जानता हूँ वो कौन थे महारानी आंटी। अच्छा बताओ बेटा कौन थे वो? सुपर हीरो, उन्होंने मास्क लगाई थी। सुपर हीरो मास्क, इन सब का क्या मतलब हुआ था? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रुक्मिणी, ये छोटे सुपर हीरो कौन थे? पर जो भी थे अच्छा है हमारे लिए लड़ रहे हैं।